नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रिवाड़ी सदर थाना पुलिस ने दुकान का ताला तोड़कर सरसों चोरी करने की वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी राजेश शर्मा पर कर्जा था और उसी कर्जे के दबाव में उसने पड़ोसी की दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। आपको बता दें कि 19 नवंबर को दुर्गा कॉलोनी स्थित एक दुकान से 20 मन सरसों की बोरियां चोरी हो गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की तो पड़ोसी दुकानदार पर शक के आधार पर पूछताछ की गई। इसमें आरोपी ने चोरी की वारदात को कबूल किया है। मुख्य आरोपी राजेश शर्मा गाँव नूरपुर का रहने वाला है। इसने दुर्गा कॉलोनी में सर्विस सेंटर खोला हुआ था, लेकिन पिछले काफी दिनों से वो कर्जे के कारण परेशान चल रहा था, इसलिए उसने कर्जे से कुछ राहत पाने के लिए चोरी का रास्ता अपना लिया। राजेश ने अपने कर्मचारी मोतीलाल और एक टेम्पो चालक संदीप को साथ लेकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसमें राजेश और मोतीलाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि संदीप की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। डीएसपी मोनिका का कहना है कि संदीप की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और पकड़े गए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके माल की बरामदगी के लिए रिमांड लिया जाएगा। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। 19/11 को कि उधम सिंह कंप्लेनेंट है, इनकी दुकान में रात में 30 से 32 मिनट सरसों चोरी हो गई थी। तो हमने जब पकड़ा, जो अरेस्ट हो गए हैं इसमें वो दो लोग हैं, राजेश और मोतीलाल। एक और अक्यूज है संदीप, जो कि अभी पेंडिंग है। कारण इनका ये था कि राजेश जो है उस पर कर्जा सर था और उसको पता था कि वो सर्विस स्टेशन में अपने वहाँ पर इतनी सरसों रखता है, जो कि उसके साइड वाली दुकान उसकी पहले किराए पर ले रखी थी। तो उसने संदीप के साथ मिलकर और मोतीलाल के साथ मिलकर रात में 14 तारीख की रात को ताला तोड़कर उसके सर्विस स्टेशन की साइड वाली दुकान से सरसों निकाली और जाकर बेच दी। अब हमारे दो अरेस्ट हो गए हैं, रिकवरी अभी बाकी है, रिमांड पर लेंगे और जितनी रिकवरी होगी आप लोग को बता देंगे। उस हिसाब से किस दिन हुई थी मैम और किस जगह पर हुई थी और किस तरह से की गई थी? ये 14 तारीख की रात को हुई है और दुर्गा कॉलोनी, वहाँ पर इनका सर्विस स्टेशन था पहले, जो अक्यूज्ड है उसके साइड वाली दुकान। तो उसको पता था कि वहाँ पर वो सरसों रखता है और ताला लगाता है, तो उसको बस ताला तोड़ा और रात में 1 से 2 बजे के बीच में और सरसों निकाल ली गई। तो मेन वजह अभी यही आई कि कर्जे के कारण? हाँ जी, यही बताया गया। कितना कर्जा था मैम राजेश से? वो अभी हम बाकी रिमांड लेंगे, पूछताछ में हम सामने आ जाएगा। राजेश पर पहले भी एफआईआर दर्ज है? नहीं, ऐसा नहीं है, पहला है एफआईआर। अभी नहीं है, रिमांड लेंगे तो रिकवरी हो जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।